नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार बंद के दौरान भागलपुर में राजद कार्यकर्ताओं ने मचाया जमकर उत्पात, कई वाहनों के तोड़े शीशे, जिलाध्यक्ष गिरफ्तार। नए कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर किया हंगामा, आगजनी कर मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। एनआरसी और सीएए को लेकर जिले भर में बंद का दिखा असर, कानून को वापस लेने की मांग। भागलपुर में बंद के दौरान सुरक्षा के दिखे व्यापक इंतजाम, एसएसपी आशीष भारती खुद कर रहे थे मॉनिटरिंग। और टीएनबी एवं मड़वाड़ी कॉलेज में चल रही परीक्षा को बंद समर्थकों ने किया बाधित, पीजी विभाग एवं कॉलेज को कराया बंद। अब समाचार विस्तार से। एनआरसी और सीएए को लेकर शनिवार को राज्यव्यापी बिहार बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। भागलपुर के लोहिया पुल पर राजद जिलाध्यक्ष और युवा राजद के जिलाध्यक्ष ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि खुद राजद जिलाध्यक्ष ने शुक्रवार को शांतिपूर्ण बंद कराने की बात कही थी, लेकिन भागलपुर में बंदी का नेतृत्व कर रहे राजद जिलाध्यक्ष ने खुद कई वाहनों के शीशे तोड़ डाले। इतना ही नहीं, बंद समर्थकों ने शहर में कई जगह पर जमकर हंगामा किया, साथ ही रागिनों के साथ भी प्रदर्शनकारियों ने बदसलूकी की। राजद जिलाध्यक्ष डॉ तिरुपति नाथ यादव और युवा जिलाध्यक्ष मैराज अख्तर ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह राजद जिलाध्यक्ष तिरुपति नाथ यादव प्रदर्शन के दौरान उत्पात मचा रहे हैं एवं ऑटो के शीशे तोड़ रहे हैं। वहीं हंगामा की सूचना मिलते ही सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और बंद समर्थकों को तोड़फोड़ नहीं करने की चेतावनी दी। इसके बाद सीनियर एसपी आशीष भारती के निर्देश पर उत्पात मचाने वाले राजद नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने कहा कि तोड़फोड़ के मामले में राजद जिलाध्यक्ष तिरुपति नाथ यादव और मजार अख्तर चांद को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। ये लोग सब यही संपत्ति के संपर्क बता दो नहीं, गलत। ये गाड़ी किसी गाड़ी है? वो आपकी गाड़ी है ना? अरे तोड़ फोड़ कर बता, सुनो, तोड़ फोड़ करने से जो आपका जो उद्देश्य है फेल कर जाए, फेल कर जाएगा। आज हिंसा आपको पत्र बता दे रहे, लेकिन ये सारे लोग बोल दे रहा हूँ सर, सुन लीजिए, बता दे रहा हूँ। हिंसा करोगे बल्ब लोग करेंगे, खुद बता दे रहे बल्ब करेंगे, जो कुछ हो जाएगा हम देख लेंगे। भागलपुर में बिहार बंद का आयोजन किया गया है और उसके तहत अधिकतर जगहों पे शांतिपूर्वक जो आयोजन है वो किया गया है और पुलिस पदाधिकारी और बल और मैं स्वयं भ्रमणशील रह करके हम लोगों ने उसको देखा है और संधारण किया है, परंतु कुछ जगहों से ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर बंद के समर्थकों के द्वारा उसको बंद के समर्थकों के द्वारा उसको जो ऑटो है उसका जो शीशा है उसको तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया है, तोड़फोड़ किया गया है। तो इसको लेकर के जो वीडियो फुटेज है वो प्राप्त हुए हैं, जिसमें से मुख्य लोगों की पहचान की गई है और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से एक है आरजेडी जिलाध्यक्ष है और एक आरजेडी के युवा जिलाध्यक्ष है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर शनिवार को बिहार बंद का भागलपुर में व्यापक असर देखा गया। सड़क पर वाहनों में तोड़फोड़, राहगीरों के साथ बदसलूकी करते उपद्रवियों ने प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा किया। बंद के दौरान राजद, कांग्रेस, रालोसपा, हम, वीआईपी समेत कई संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और बाजार बंद करवाया। भागलपुर स्टेशन चौक से राजद जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आक्रोशित लोगों ने वाहनों को रोककर बंद में शामिल होने की बात कही। कई स्थानों पर बंद समर्थक और आम लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। जुलूस में शामिल कुछ युवाओं ने वाहनों को रोककर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खलीफाबाग चौक और शहीद भगत सिंह चौक पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही सीएए और एनआरसी को संविधान के विपरीत बताया। हाथों में तिरंगा और बैनर लिए युवाओं ने राजद नेता सलाउद्दीन हसन की अगुवाई में गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की। बंदी में शामिल कई युवाओं ने प्रधानमंत्री गो बैक, अमित शाह गो बैक के नारे लगाए और सीएए वापस नहीं लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।
नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं भागलपुर में बिहार बंद का असर देखने को मिल रहा है। राजद कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है एनआरसी के खिलाफ और नए कानून के खिलाफ। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो केंद्र सरकार जो कानून लेकर आई है वह काला कानून है, इसे केंद्र सरकार को हर हाल में वापस लेना होगा, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अगर बंद की बात करें तो बंदी के दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने कुछ जगह तोड़फोड़ भी की है और वाहनों को क्षति पहुंचाया है, जिसके बाद पुलिस पदाधिकारी सक्रिय हो गए और उन्होंने बंद समर्थकों के बीच और पुलिस प्रशासन के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई और जो एनआरसी है उसका विरोध जारी है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से भागलपुर स्टेशन चौक पर राजद कार्यकर्ता और बंद समर्थक एनआरसी का विरोध कर रहे हैं और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद नामुद्दीन सिद्दीकी भी भागलपुर। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बिहार बंद का असर भागलपुर, नवगछिया, कहलगांव और बांका में भी देखा गया। सुबह से ही राजद, कांग्रेस और उसके सहयोगी घटक दलों ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं बंदी को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नवगछिया के खरीख, गोपालपुर, रंगरा और विदपुर में राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दुकानों को जबरन बंद कराते नजर आए। इस दौरान राजद नेताओं ने केंद्र सरकार से नए कानून को वापस लेने की मांग की। राजद नेता शैलेश यादव एवं संजय मंडल ने कहा कि नए कानून के खिलाफ राजद का बिहार बंद पूरी तरह सफल रहा। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीपीओ परवेंद्र भारती खुद जुलूस के पीछे भ्रमण कर रहे थे। वहीं कहलगांव में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर शनिवार को राजद कार्यकर्ताओं ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ गांगुली चौक के समीप जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद बंद समर्थकों ने नगर भ्रमण करते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रखंड राजद अध्यक्ष वासुकीनाथ यादव ने कहा कि नए कानून से देश कई दशक पीछे चला जाएगा। वहीं सनहौला प्रखंड अध्यक्ष रामविलास यादव के नेतृत्व में सनहौला बाजार में बंद को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने नए कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए और केंद्र सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं बांका अमरपुर में भी बिहार बंद का व्यापक असर देखा गया। सुबह से ही बंद समर्थक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी कर हंगामा करते हुए जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन का नेतृत्व राजद नेता घनश्याम भगत ने किया। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और नागरिकता कानून के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बुलाए गए बिहार बंद के दौरान भागलपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। बंद के दौरान एसएसपी आशीष भारती, सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज, सीटीडीएसपी राजवंश सिंह, सदर एसडीओ आशीष नारायण समेत कई अधिकारी मुस्तैद दिखे। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एसएसपी आशीष भारती ने सभी थाना अध्यक्षों को सख्त दिशा निर्देश दे रखा था। उपद्रवियों से निपटने के लिए दंगा नियंत्रण वाहन के साथ स्टेशन चौक, घंटाघर चौक, खलीपावाग चौक, ततारपुर चौक समेत कई चौक चौराहों पर काफी संख्या में पुलिस बलों को लगाया गया था। वहीं सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने कहा कि हंगामा करने और उपद्रव मचाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। आज कई लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी तक सभी जगह से ये सूचना मिली कि शांतिपूर्ण है। इसको शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए तथा आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और बल प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ में सभी वरीय पदाधिकारी भ्रमणशील हैं और निगरानी रख रहे हैं। सभी जो लोग हैं उनसे मतलब लगातार लोग टच में हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट नहीं करें। सभी लोग को निर्देश दिया गया कि बिना परमिशन के कोई जुलूस नहीं निकालें और अगर कोई जुलूस निकालते हैं परमिशन लेने के बाद या तो उसकी पूर्ण जवाबदेही भी उन्हीं की होगी कि शुरू से लेकर के अंत तक वो बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे। अपना प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक तरीके से करें, लेकिन अन्य जो लोगों के राइट्स हैं, अन्य लोगों के भी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको वो लोग उसका सम्मान करें और अपनी बात रखें डेमोक्रेटिक तरीके से। सारे चौक चौराहों पर पूर्व से वरीय पुलिस निरीक्षक महोदय के द्वारा फोर्स की व्यवस्था की गई, दंडाधिकारी तैनात है। हम लोग भी स्टेशन चौक में कैंप कर रहा हूँ, सब जगह पुलिस फोर्स तैनात। राजद के कार्यकर्ताओं ने पूर्व घोषित बिहार बंद के दौरान शनिवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। राजद नेता दिलीप यादव के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों ने बीएन कॉलेज से पैदल मार्च किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का जत्था सीधे टीएनबी कॉलेज पहुंचा और एनआरसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इग्नू की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सारा नसरीन ने बताया कि प्रथम पाली की परीक्षा और द्वितीय पाली की परीक्षा तत्काल स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नए तिथि की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। वहीं परीक्षा बाधित करने के बाद छात्रों का समूह विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पहुंचा। छात्र नेता दिलीप यादव ने कहा कि CAA और NRC सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। आज हम लोग का जो बंदी था राष्ट्रीय जनता दल का पूरे बिहार में घोषणा थी। आज का जो बंदी का मुख्य कारण है भ्रष्ट जो प्रधानमंत्री है, उसके जो अमित शाह है उनके द्वारा अभी सरकार को चाहिए बेरोजगार के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए कभी NRC, कभी CAA, कभी 370 की मुद्दा, कभी मंदिर मस्जिद की मुद्दा लाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आज जो NRC लागू करने का काम इन्होंने कर रहे हैं, उससे जो भारत में नागरिक, हम लोग भारत के नागरिक, लेकिन हम लोग को भी प्रमाण पत्र देना होगा जो हम लोग भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। इसीलिए को लेकर हम लोग आज केंद्र सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। NRC को आप अविलंब वापस लीजिए, इसको लागू नहीं कीजिए, और जो रोजगार बेरोजगार को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो अविलंब मुहैया करवाए। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलकामांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलकामांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार को राजद द्वारा बिहार बंद के दौरान कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता एकजुट दिखे और CAA का जमकर विरोध किया। भागलपुर में NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की CLTV संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। युवा जो है तो NRC को वापस लेने और CAA को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ कुछ राजद के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे कि सर आप क्यों विरोध कर रहे हैं NRC का। NRC एक अंधा कानून है, सबसे बड़ा। NRC के अंदर जब अमित शाह लोकसभा के अंदर बोला कि हिंदू, सिख, ईसाई सभी है, अब मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया, तो कहूँ ना कहूँ हमको नोटबंदी के तरह लाइन लगाना चाह रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन जारी है, राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सर, NRC अगर वापस नहीं हुआ, CAA वापस नहीं हुआ, क्या करेंगे आगे आप लोग? देखिए, अगर ये वापस नहीं होता है देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हाँ, और ये आंदोलन जिस तरह से जामिया में महिला छात्रा के साथ मारपीट किया जाता है और केंद्र सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जामिया में जो महिलाओं छात्रा पर जो है लाठी जो चलाया गया है,
इसका विरोध इंग्लैंड में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, देश के 10 विश्वविद्यालय ने इसका विरोध किया है। सीएम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है। अरे अल्पसंख्यक डरने वाले जो कौम देश की आजादी में अहम भूमिका निभाया हो, अशफाक उल्ला खान, बिस्मिल जैसे ऐसे क्रम व्यक्ति इस देश में शहीद हुआ है, मुस्लिम कोई डरने वाला कौम नहीं है, मुस्लिम अकेला नहीं है। जिस देश को हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति और धर्म के लोगों ने आजादी दिलाया, ये भारतीय वाले आजादी के समय इन्होंने माफी मांगा है। ये गोडसे का रक्षक है, गांधे का हत्यारा, गोडसे का ये पूजक है, सावरकर का ये पूजक है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और ये मुसलमान और हिंदू, ये अम्बेडकर साहब का संविधान को जो है ये तोड़ने वाली पार्टी है। जिस दिन ये अम्बेडकर साहब के संविधान को चकनाचूर करेगा, उस देश में जो है संकनाद होगा और बहरी और गूंगी सरकार को। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे। बताइए एनआरसी क्या है? सर हम एनआरसी का बहुत ही बुरे तरीके से विरोध करते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि भारत माँ को हम अपनी माँ समझते हैं, माँ समझते हैं, तो माँ से कोई सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है? आज कोई नेता सर्टिफिकेट देगा कि उसकी माँ का सर्टिफिकेट चाहिए? अगर हम मांगेंगे तो क्यों हम प्रूफ दें कि हम भारतीय हैं, क्यों हम प्रूफ दें कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्यों प्रूफ देंगे? हम अपनी देश भूमि को माँ समान मानते हैं और माँ और बेटे के बीच में कोई प्रूफ नहीं चाहिए, देशभक्ति है, क्यों नहीं? आज क्या मुसलमानों ने शहादत नहीं दिया है देश के लिए? ये सरकार गलत कानून बार बार लाती है, लेकिन मुसलमान इसको सही किया है। विरोध में क्या कीजिएगा? ये तो बहुत गलत है, ये लगाई जाए एकदम बहुत गलत है, आदमी को परेशान कर दी जाए। एक तो नोट नबंदी परेशान है, हम सब बहुत परेशान है इससे। आप इसे ये इतना बुरा हम हो गए, मगर ऐसा मंत्री हमने देखे कभी जिंदगी में? प्रधानमंत्री देखे नहीं, कभी नहीं देखे। इंदिरा गांधी के राज में थे मगर नहीं देखे, मगर ये सब नहीं नहीं होता था और आज ये वाकया हो रहा है। बहुत तकलीफ है हम सबको। आप सरकार से पूछिए कि इसका कितना बजट है। बहुत तकलीफ में एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में, बंद समर्थकों में काफी आक्रोश है। आपने देखा कि किस तरीके से देश के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने सहयोगी का। पत्थर फेंकने की अफवाह से नाथनगर तांती बाजार का माहौल शनिवार की शाम अचानक फिर गर्म हो गया। अफवाह चारों तरफ इस कदर फैल गई कि एक पक्ष के लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतर गए और हंगामा शुरू कर दिया। वहीं आक्रोशित लोगों ने मीडिया कर्मी की बुरी तरह पिटाई कर दी और उसी के मफलर से उसका गला दबाने का प्रयास करने लगे। सूचना मिलते ही सदर एसडीओ आशीष नारायण, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह और हेड क्वार्टर डीएसपी के नेतृत्व में कई थाने की पुलिस पहुंची और तांती बाजार से जैन मंदिर तक अफवाह फैलाने वालों को खदेड़ दिया। वहीं पुलिस ने लोगों को अपने अपने घरों के अंदर चले जाने की बात कही और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। लोगों ने बताया कि अचानक लगभग 4 बजे तांती बाजार निवासी सियाराम के घर पर कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंकने का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस तांती बाजार के शांति समिति सदस्य व पूर्व पार्षद की भूमिका की जाँच कर रही है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। जो परसों विवाद हुआ था, एक पक्ष ने कहा कि दूसरा पक्ष ने पत्थर फेंका, जबकि पत्थर फिर कोई प्रूफ सामने नहीं आ रहा था। खैर ठीक है, बात मान ली जाती है। तो भाई आप पुलिस पे छोड़ दें, आप कांड दर्ज करें, हम अनुसंधान करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं, आप 3-4 घंटे से हाईजेक किए हुए हैं रोड को, पत्रकार हमला कर दिया गया, एक पत्रकार गला दबा के वो करने की कोशिश किया गया, तो पुलिस फिर क्या करेगी? मजबूरी बस उसने हल्का बल का प्रयोग किया, हल्का बल का प्रयोग करके उन लोगों को भगाया गया, नहीं तो इससे आम आदमी को प्रॉब्लम हो रहा था, जाने आने प्रॉब्लम हो रहा था। वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण है, हम लोग केस कर रहे हैं, पुलिस केस भी होगी और पत्रकार भी केस कर रहे हैं, कोई वजह नहीं, बिना कोई वजह का। तो समझ ना रही, ये एक पक्ष बोला पत्थर फेंका, तो पत्थर किसने फेंका? यदि पत्थर फेंका तो आप नाम डाल दो, हम सब केस करेंगे। तो आप केस भी नहीं कर रहे हैं, नाम भी नहीं बता रहे हैं, आप पूरा रोड का आप हाईजेक किए हुए हैं, हमला कर रहे हैं पत्रकार लोगों पर। भागलपुर के सबौर इब्राहिमपुर स्थित दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल में 25 दिसंबर को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिने अभिनेता चंकी पांडे शिरकत करेंगे। शनिवार को स्कूल परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के निर्देशक संजय पासवान और वाइस प्रिंसिपल संजय सिंह ने कहा कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने को लेकर प्रत्येक वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना है, जिससे कि बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में रुचि लें और बेहतर कार्य कर सकें। किताबें में पढ़ना
और चर्चा करना ये दोनों अलग बातें हैं, बल्कि स्टूडेंट के साथ मिलकर इस विज्ञान मेला को धरती पे उतारना एक अलग बात है। इसके लिए हम लोगों ने 7 साल से लगे हुए हैं। पिछले 4 सालों में हमारे माननीय कृषि विश्वविद्यालय से VC साहब आए थे, उनके बाद हमारे यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में मुकेश खन्ना साहब भी आए हुए हैं, इसके जस्ट पहले सर जावेद जाफरी साहब आए थे, और इस बार हमारे साइंस एग्जीबिशन में चीफ गेस्ट के तौर पर चंकी पांडे साहब आए हुए हैं। ये सारा प्रोग्राम हम लोगों के एक बेहतरीन सामंजस्य से होता है और अंजाम हमें भी देते हैं, जिसमें स्टूडेंट, शिक्षक और पेरेंट्स तीनों शामिल रहते हैं। कि साइंस एग्जीबिशन का तो रूप, बृहद रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा ही, साथ साथ हमारा जो अपना लोगो है उसके साथ साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन उन्होंने लगाया था, तो आर्ट का भी बहुत अच्छा रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें बच्चे हैंडक्राफ्ट वगैरह खुद से तैयार करके आपको अलग अलग रूम में दिखाएंगे। रेशम तकनीकी सेवा केंद्र की ओर से शनिवार को तिलका मांझी स्थित स्थानीय होटल में एक दिवसीय एडवांस पोस्ट कोकून टेक्नोलॉजी पर तकनीकी अपग्रेडेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में विशेष तौर पर विभिन्न किस्म के कोकून पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रोग्राम में आए वैज्ञानिकों ने रेशम की तकनीकीकरण पर रेशम कारोबारियों को कई निर्देश दिए। प्रोग्राम में विभिन्न जगह से आए रेशम कारोबारियों द्वारा सिल्क से बने वस्त्र एवं कोकून का स्टॉल भी लगाया गया था। इसी दौरान वैज्ञानिक NS गलोथ एवं डॉक्टर नवीन फद्दकी ने बताया कि यह प्रोग्राम रेशम से जुड़े कारोबारियों के लिए मददगार साबित होगा। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि नगर विधायक अजीत शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुभाष विनायक, जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार, श्री NS गलोथ, डॉक्टर नवीन फद्दकी समेत सिल्क कारोबारी व अन्य अधिकारी शामिल थे। आज सेंट्रल सिल्क बोर्ड CSTIRI की तरफ से तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें हमने बैंगलोर का वैज्ञानिक एक समूह है आके पार्टिसिपेट किया और हमने यहाँ पर सिल्क मिलांज धागा का उत्पाद और एंजाइम फिनिश का वस्त्रों पर क्या असर होता है उसका दिखाने के लिए हम यहाँ पर शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में हमने, हमारे निदेशक महोदय ने, विभिन्न वैज्ञानिकों ने तकनीकी जानकारियाँ दी जो रेशम उद्योग को विकसित कर सके और रेशम विकास के कार्यक्रम को, उपक्रम को बढ़ाने के लिए जो है हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन, डॉक्टर श्रीनिवासा, डॉक्टर सौरभ मजुमदार, डॉक्टर ब्रजेश्वरी, उनकी टीम यहाँ पर जो है विभिन्न तकनीकी कार्यक्रम में भाग लिए। NRC और CAA को लेकर उपजा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश से लेकर विदेश तक में भारतीय नागरिक इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं शनिवार को बिहार बंद के दौरान भागलपुर के नेताओं और आम लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज हम लोग जो नया नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया है, संविधान की धज्जी को उड़ाते हुए इस काला कानून के विरोध में बिहार बंद करने का काम किए हैं, और जब तक इस कानून को वापस नहीं ले लिया जाता है हम लोग का आंदोलन लगातार जारी है। मांग NRC और बिल वापस लो, जो आज दमनकारी नीति अपनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, इससे सब गरीब, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम अवाम परेशान है। एक तो ऐसे ही रोजगार की कमी है, लोग धरातल की तरफ चले जा रहे हैं, और ये एक नया नया कानून, नया नया बिल लेके आ रहे हैं। विरोध करने वाले चंद वो लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान का बंटवारा देश में चाहते हैं। ये वही लोग हैं कानून लाने वाले जो पहले कहे, अपने कहे हुए बयान से आज ही पलटी मारे हैं और अपने ट्वीट पर, ट्विटर पर से हटाए हैं। ये तड़ी पार अमित शाह जी अपना बयान, अपना ट्वीट ही वापस आज लिए हैं। ये साबित करता है कि वो इस तरह की गलत बयानबाजी करते रहे हैं। देश में जब से ही सत्ता में आया है ये भाजपा सरकार, पूरे देश को सांप्रदायिक में झोंक दिया है। हिंदू मुस्लिम को सिर्फ लड़ाना जानता है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना है। विश्व में जो पूरे गरीब गुरबा वोट दिए थे महागठबंधन को, नीतीश कुमार को, वो भाजपा में मिल गया और गरीब गुरबा के वोट को उन्होंने बेच दिया। और विश्व में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में RJD की सरकार, गरीब गुरबा की सरकार, अल्पसंख्यक की सरकार बनेगी। ये केंद्र सरकार NRC या CNA जो ला रही है या पास कर चुकी है, इसका विरोध इसलिए हम कर रहे हैं कि ये आम आदमियों के दस्तूर के खिलाफ,
मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। हमारी मांग यही है जो नागरिकता संशोधन बिल है उसको वापस लिया जाना चाहिए, पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। और जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है संविधान की, संविधान को सरेआम बदनाम किया जा रहा है, मैं पूरी तरह से इसका विरोध करती हूँ। और सबसे ज्यादा जो भारत की आवाम है उनसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस बंद को सफल बनाइए। मांग यही है कि कैब से किसी को हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान को इंडिया में लाकर बसा दो, हमको क्या नुकसान है उससे। पहले भी पाकिस्तान का आदमी यहाँ नागरिकता लिया है, बांग्लादेश का आदमी भी नागरिकता लिया है, अब ये बिल लेके जब नागरिकता उसको मिल ही रहा है तो कैब लाके वो क्या साबित करना चाह रहा है। सही बात। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार बंद के दौरान भागलपुर में राजद कार्यकर्ताओं ने मचाया जमकर उत्पात, कई वाहनों के तोड़े शीशे, जिलाध्यक्ष गिरफ्तार। नए कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर किया हंगामा, आगजनी कर मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। एनआरसी और सीएए को लेकर जिले भर में बंद का दिखा असर, कानून को वापस लेने की मांग। भागलपुर में बंद के दौरान सुरक्षा के दिखे व्यापक इंतजाम, एसएसपी आशीष भारती खुद कर रहे थे मॉनिटरिंग। और टीएनबी एवं मड़वाड़ी कॉलेज में चल रही परीक्षा को बंद समर्थकों ने किया बाधित, पीजी विभाग एवं कॉलेज को कराया बंद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।